साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI मंत्रा में। आज की इस वीडियो में हम ITI फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग का चैप्टर 6 करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट ईयर के 5 चैप्टर टॉपिक वाइज कंप्लीट कर चुके हैं। जिस बच्चे ने भी वो पहले 5 चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकता है। तो जो चैप्टर हम आज करेंगे उस चैप्टर का नाम है लेटरिंग एंड नंबरिंग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अक्षरांकन। जब हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग किया था तो हमने बात की थी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम अपनी बात सामने वाले को रखने के लिए, समझाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए ज़्यादातर ड्राइंग में लाइंस का, आर्क का, कन्वेंशन का, सिंबल का, एब्रीवेशंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम सिंबल, एब्रीवेशन या कन्वेंशन के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें लेटर्स और नंबर की जरूरत पड़ती है। जैसे टाइटल है, टाइटल लिखने के लिए, टॉपिक का नाम लिखने के लिए, डायमेंशन लिखने के लिए, या आपको ड्राइंग में कोई नोट लिखना है उसके लिए आपको नंबर्स या लेटर्स की जरूरत पड़ेगी। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में लेटर्स और नंबर लिखने के लिए जो स्टाइल का, जिस तरीके का प्रयोग किया जाता है उसी को हम बोलते हैं लेटरिंग। तो लेटरिंग में दोनों चीज़ें आती हैं हमारी, लेटर्स जिसमें हम इंक्लूड करेंगे A to Z और न्यूमरल जिसमें हम इंक्लूड करेंगे 0 to 9। तो हमें ये दोनों चीज़ें ड्राइंग में कैसे लिखते हैं ये पता होनी चाहिए। हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमेशा साधे, साफ और सुंदर अक्षरों का प्रयोग करते हैं जिनकी मोटाई बिल्कुल बराबर होती है। और जितना आप इन लेटर्स को साफ और सुंदर लिखोगे आपकी ड्राइंग की जो सुंदरता है वो बढ़ती जाती है। तो हमेशा साफ और सुंदर अक्षर आपने लिखने हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लेटरिंग, यानी लेटरिंग कितने प्रकार की होती हैं। तो इसको दो तरीके से बांटा जाता है। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू फॉन्ट या अकॉर्डिंग टू स्टाइल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज कंप्यूटर के युग में बहुत सारे फॉन्ट, बहुत सारे स्टाइल अवेलेबल हैं, लेकिन ड्राइंग में कुछ मुख्य तौर पर यूज किए जाते हैं, जैसे गोथिक, टेक्स्ट, रोमन, इटैलिक। और मुख्य तौर पर इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम गोथिक लेटर्स का ही प्रयोग करते हैं जिनकी मोटाई बराबर होती है। दूसरा तरीका है अकॉर्डिंग टू स्ट्रोक, यही हमें सिलेबस में करना है। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रोक दो तरीके से बांटा जाता है, सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग एंड डबल स्ट्रोक लेटरिंग। आज की इस वीडियो में हम सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग करेंगे, उसको कैसे हम बनाते हैं, कैसे उसको लिखना होता है वही समझेंगे। अब बात करते हैं कि सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग आखिर होती क्या है। जब हम पेंसिल को एक ही बार में उसकी मोटाई को बढ़ाए बिना लेटर्स या नंबर लिखते हैं उसको बोलते हैं सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग। यहाँ पर स्ट्रोक का मतलब ये नहीं है कि पेंसिल आपने एक बार किसी लेटर को बनाने के लिए रख दी पेपर के ऊपर, आप उसको तभी उठाओगे जब आप उस पूरे लेटर को लिख दोगे, ऐसा नहीं है। आपको स्ट्रोक के अनुसार पेंसिल को बार बार उठाना भी पड़ेगा, रखना भी पड़ेगा। यहाँ पर स्ट्रोक का मतलब है उस अक्षर की मोटाई से, यानी कि सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग में हम जो अक्षरों की मोटाई है वो सारी क्या रखते हैं, बराबर रखते हैं, उसको कम या ज़्यादा नहीं करते। इसी को बोलते हैं सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग। ये सबसे साफ और सुंदर लेटर्स लिखने का तरीका है और इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम ज़्यादातर सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग का ही प्रयोग करते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं ड्राइंग फाइल पर और देखते हैं कि सिंगल स्ट्रोक लेटर्स को कैसे लिखा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग। सबसे पहले हम ऐसे पेज का सेटअप तैयार कर लेंगे जैसे हम हर बारी करते हैं। चारों तरफ आउटलाइन लगाएंगे जो कि मेन पेज के सिरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे होंगी, 1 सेंटीमीटर यानी 10 mm। फिर जो मेन ऊपर वाली आउटलाइन है उससे 6 से 8 mm की एक लाइन खींचेंगे, उसके बीच में हम टॉपिक का नाम लिखेंगे जिसका नाम है सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग, हिंदी में कह सकते हैं अक्षरांकन। उसी प्रकार नीचे जो आउटलाइन हमने लगाई है उससे ऊपर भी 6 से 8 mm की एक लाइन लगाएंगे, इसमें हम अपना नाम, ट्रेड का नाम और रोल नंबर लिखेंगे, क्योंकि चैप्टर की शुरुआत है इसलिए ये भी लिखना जरूरी है। जब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होता चाहे आगे वाले टॉपिक में ये ना लिखो। तो जो सिंगल स्ट्रोक में लेटर्स लिखे जाते हैं वो अलग अलग रेशो में होते हैं, जैसे 5:4, 6:4, 7:4, 7:5, 8:5, 9:5। तो ये अलग अलग रेशो में पूछे जाते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 7:4 है और हम आज वही करेंगे 7:4। यहाँ 7:4 का मतलब क्या है कि जो 7 है उस किसी भी अक्षर की, जो हम अक्षर लिखेंगे, लेटर लिखेंगे, उसकी जो ऊंचाई है, जो हाइट है, वो 7 के बराबर होनी चाहिए और जो उसकी चौड़ाई है, विड्थ है, वो 4 के बराबर होनी चाहिए। अब जो हाइट है जिसमें हमने अक्षर लिखने हैं वो भी अलग अलग तरीके से पूछ सकता है एग्जामिनर, 10 mm में, 20 mm में, 30 mm में, 40 mm में, लेकिन हम आज करेंगे 35 mm यानी 35 mm में। हम जो सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग लिखेंगे वो 35 mm की हाइट में 7:4 में लिखेंगे। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम एक लाइन लगाएंगे किसी भी एक उचित दूरी पे, ऐसे निशान लगाकर, मान लिया हमने मेन सिरे से 3 सेंटीमीटर दूर पे एक निशान लगा लिया और इधर भी 3 सेंटीमीटर,
उसके बाद बड़े स्केल की मदद से हम इस मिला देंगे। ये लाइन लगाने के लिए आपको 2H या 3H की पेंसिल का प्रयोग करना है, क्योंकि ये लाइनें जितनी उड़की होंगी उतना आप लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि इनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, वैल्यू उनकी है जो लेटर आप इनके बीच में लिखोगे, तो लेटर साफ दिखने चाहिए, लाइन हल्की हो सकती है, तो आप 2H या 3H ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग इसके लिए कर सकते हो। अभी होगी रेफरेंस लाइन। अभी हमने बात करी थी जो लेटर हम लिखेंगे वो लिखेंगे 35mm में, तो इस लाइन से 35mm नीचे हम एक निशान और लगाएंगे। 35mm का मतलब है 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 सेंटीमीटर की दूरी पर हम एक निशान लगाएंगे। इधर भी अब हम बड़े स्केल की मदद से इसको भी मिला देंगे। अब जो हमारे लेटर लिखे जाने हैं वो इसके बीच में लिखे जाएंगे। किस रेशो में? 7:4 में हम बात कर चुके हैं, तो उसके लिए हमें पहले इस हाइट को 7 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने बात करी थी कि 7:4 का मतलब ये होता है कि जो हाइट है वो 7 के बराबर होगी। तो 7 हिस्सों में कैसे डिवाइड करेंगे? 35mm को 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 5mm। इसको क्या करते हैं हम, जो 35mm की जो हाइट है 7 से डिवाइड करने के बाद 5mm आ जाता है, 5mm पे हम ऐसे निशान लगा लेंगे, 5mm का मतलब है 0.5 सेंटीमीटर, तो ऐसे हमारे पास ये निशान आ जाएंगे। सेम इस प्रकार इधर भी कर लेंगे हम। और बड़े स्केल की मदद से हम इनको मिला देंगे। इस प्रकार से जो ये 35mm की हाइट के हमने दो लाइन खींची थी उसके बीच में हमने 5mm के 7 पार्ट कर दिए, तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारे ऐसे बॉक्स आ जाएंगे। अब हमें जो लेटर लिखने पूरे लिखने A to Z, तो उसके लिए हमें इस प्रकार के कई बॉक्स चाहिएंगे, तो वो बॉक्स हम अभी तैयार कर लेते हैं ताकि हमें एक बार में लाइन खींचने में आसानी हो जाए, क्योंकि अभी हमने वर्टिकल लाइनें भी खींचनी है, तो जो वर्टिकल लाइनें खींचेंगे तो तीनों बॉक्स की इकट्ठी आ जाएंगी, उससे आपके टाइम की बचत होगी और लाइन भी सीधी आएंगी, तो उसके लिए हम दूसरे बॉक्स भी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए इसके बीच में लगभग 2 सेंटीमीटर की दूरी पे हम निशान लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ बीच में हमारा थोड़ा गैप होना चाहिए, तो इधर भी 2 सेंटीमीटर का एक निशान लगाकर लाइन खींचेंगे। इसके बाद आपको पता है हाइट कितनी रखनी है, 35mm यानी 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 सेंटीमीटर पे एक निशान और लगाएंगे। इधर भी इसको भी मिला देंगे। अभी साइड को भी हम 7 भागों में डिवाइड कर लेंगे, यानी 5mm का 1 पार्ट, तो 5mm के निशान लगा लेंगे। 5mm का मतलब यहां पर हमारा 0.5 सेंटीमीटर से है। इधर भी ऐसे निशान लगाएंगे। इन सभी लाइनों को मिला देंगे जैसे हमने ऊपर किया था। वैसे हमारे 2 बॉक्स तैयार हो गए। इसी प्रकार हमने एक नीचे भी तैयार कर लेना है बॉक्स, इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इस प्रकार से हमने 3 बॉक्स तैयार कर लिए हैं 35-35mm के, और इनके बीच में दूरी रखी हमने 2 सेंटीमीटर की। तो हमारे जो हाइट है वो तो 7 ब्लॉक की हो चुकी है, आपको पता है हमें मेंटेन करना 7:4, तो हमारा जो विड्थ है यानी चौड़ाई अक्षर की वो 4 ब्लॉक के बराबर होनी चाहिए, तो हम इसको वर्टिकली भी बांट लेते हैं 5mm में, 5mm के बॉक्स बनाएंगे यानी कि 0.5 सेंटीमीटर के, ताकि जो लेटर लिखा जाए वो 7:4 में लिखा जाए। तो इसके लिए भी हम करते क्या हैं, जो पहला बॉक्स है उसके ऊपर वाली जो लाइन है उस पर निशान लगा लेते हैं 5-5mm के यानी 0.5 सेंटीमीटर के पूरी लाइन के ऊपर।
और ये निशान बहुत हल्के लगाने भाई, ये हमें दिखने नहीं चाहिए, लाइन में ख़त्म हो जाने चाहिए। तो पूरी लाइन को पे है ऐसे हम निशान लगा लेंगे। अब इसी प्रकार हम नीचे वाली लाइन पे भी निशान लगा लेंगे 5-5 mm के। अब हम इन निशानों को मिला देंगे और 3 बॉक्स बनाने का मकसद हमारा यही था। नहीं तो हमें जो वर्टिकली है इसकी अलग से मिलानी पड़ती लाइनें, इस बॉक्स के लिए अलग से मिलानी पड़ती, इसके लिए अलग से। अब हम सभी की इकट्ठी मिला सकते हैं और लास्ट में ध्यान ही रखना है क्योंकि जो लास्ट का पॉइंट है वो कम ज़्यादा बच सकता है आपकी फाइल के अनुसार, तो उसका लास्ट बिंदु का ध्यान रखना है। जो आप भी लाइन खींचो ध्यान से खींचनी है। अब सभी पॉइंटों को ऐसे आप मिला दोगे अड़के हाथ से। ऐसे हम सभी को मिला देंगे तो हमारे पास ऐसे स्क्वायर बॉक्स तैयार हो जाएंगे जैसे हमारे ग्राफ पेपर में होते हैं। अब हमें जो भी अल्फ़ाबेट लिखने हैं वो 7 रेशो 4 में लिखने हैं, यानी जो उनकी ऊंचाई है वो 7 बॉक्स के बराबर होगी और जो उनकी चौड़ाई है 4 बॉक्स के बराबर होगी। हाँ, कुछ अक्षर हैं जैसे आई है वो सिर्फ 1 बॉक्स में आएगी तो वो 7 रेशो 1 में लिखी जाती है, उसका ध्यान रखना है। दूसरा एम और डब्लू हैं, ये 7 रेशो 5 में लिखे जाते हैं, यानी इनकी चौड़ाई हमारी 5 बॉक्स में आएगी। इसके अलावा जितने भी अक्षर हैं वो 4 बॉक्स में लिखे जाएंगे, 7 रेशो 4 में लिखे जाएंगे। लिखने के लिए देखते हैं, जैसे हमें ए लिखना है तो मान लिया हम 1 बॉक्स छोड़ देते हैं तो इसके आगे हमें 4 बॉक्स के निशान लगा, 1, 2, 3, 4, तो इन 4 बॉक्स के बीच में हमारी ए आएगी। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, ये इसका सेंटर पॉइंट है तो हम स्केल से इसको ऐसे मिलाएंगे। ये इस प्रकार ये बन जाएगी हमारी ए। तो आप देख सकते हो इनकी हाइट 7 बॉक्स के बराबर है और चौड़ाई 1, 2, 3, 4 4 बॉक्स के बीच में लिखा गया हमारी ए। सिंगल स्ट्रोक है, सिंगल स्ट्रोक का मतलब हमने बताया था कि पेंसिल का जो लेड है उसकी चौड़ाई के बराबर इसकी अक्षर की विड्थ होगी, चौड़ाई होगी। तो इस ऐसे हमें सिर्फ एक बार लाइन को खींचा है। तो आपने ध्यान ये भी देना है कि आपके जो बॉक्स हैं वो हल्के होने चाहिए, यानी वहाँ 2H और 3H का प्रयोग करना है और जब आप लेटर्स लिखो तो HB ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग करना है ताकि लाइनें हल्की दिखें और अक्षर हमारे साफ दिखें। और मैं इन अक्षरों को लिखने के लिए भी कलर का प्रयोग करूंगा, लेकिन आपने कलर का प्रयोग नहीं करना है। अब जो भी नेक्स्ट अक्षर लिखो उसके बीच में हमें 2 बॉक्स खाली छोड़ देने हैं ताकि हमें दोनों के बीच में अंतर समझ में आ जाए और कुछ गलती हो जाए, कम ज़्यादा बॉक्स कर दो तो आगे पीछे हम बढ़ा सके। तो अब जैसे हमें बी लिखना है तो 2 बॉक्स हमने छोड़ दिए। अब बी लिखने के लिए हमें पता है एक लाइन आई सीधी आएगी। और हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि जो भी वर्टिकल लाइन खींचो तो वो ऊपर से नीचे आनी चाहिए और जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो वो बाएं से दाईं तरफ खींचनी है। तो ये बी है। अब जो गोलाई वाले अक्षर हैं, जैसे बी को आपको पता आगे जाने के बाद ऐसे घुमाना है, करव की शेप में घुमाना है, तो उसके लिए हम 3 बॉक्स तक तो सीधी लाइन खींचेंगे और 4th बॉक्स पर रुक जाएंगे। 3 बॉक्स पर हमने लाइन खींच ली। अब जब 4th बॉक्स का नंबर आएगा तो हमने करो ऐसे बनाना, इस कोने से लेकर इस कोने के बीच में हमने फ्री हैंड ऐसे को घुमा देना है ऐसे। इसी प्रकार नीचे 3 बॉक्स तक हम लाइन खींचेंगे, उसके बाद इसको ऐसे करो में घुमा देंगे, ठीक है। अब हमें पता है बीच में एक लाइन आएगी, वो लाइन खींचेंगे, उसके लिए हम एक लाइन लगाएंगे। अब ऊपर से जो लाइन आएगी वो 1 बॉक्स पहले हमने रोक देनी है और फिर हमने ऐसे घुमा देना है बी, और ऐसे ही यहाँ, यानी जब भी कर्व आएगा हमने 1 बॉक्स पहले रुक जाना है और फिर उसके कोने से दूसरे कोने तक हमने फ्री हैंड कर्व में मिलाना है। तो ये हो जाएगी हमारी बी।
इसी प्रकार हमें सारे के सारे लेटर्स लिखने हैं। तो इस प्रकार आपने सारे ये अल्फ़ाबेट लिखने हैं ए टू जेड तक। ध्यान देना है जो आई है वो सिर्फ एक ही लाइन पे बनेगा ऐसे, एम है जो वो पांच बॉक्स में एक दो तीन चार पांच में बनाया गया है। दूसरी बात, जो ये बीच वाली नोक होती है बिल्कुल नीचे टच करेगी। दूसरी बात ध्यान रखनी है, डब्लू है, डब्लू भी पांच में बनेगा लेकिन जो इसकी ये लेग्स हैं ये क्या है, थोड़ी तिरछी हैं, यानी ये इस बॉक्स से शुरू होकर दूसरी लाइन के दूसरे कोने पर मिलेंगे, ऐसे तिरछी मिलेंगी लेकिन बनेंगी पांच में। एक्स को ऐसे क्रॉस में बनाना है, वाई ऐसे बनाकर ये बिल्कुल बीच में होना चाहिए। तो जो ये बनावट है आप इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस प्रकार से आपने ये सारे लेटर लिखने हैं अपनी कॉपी में। तो ये था आज की वीडियो में कि सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग में कैसे हमने काम करना है, कैसे उसको बनाना है। हमने जो लेटर लिखे हैं वो 35 mm की हाइट में 7S4 में लिखे हैं। इसके अलावा एग्जाम में कई बार 10 mm या 15 mm भी पूछ सकता है, तो उस टाइम पर ये बॉक्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 10 mm या 15 mm की लाइन लिख के बीच में फ्री एंड, लेकिन जो बनावट है वो ऐसे ही रहेगी, उसके अनुसार आप ये लेटर्स लिख सकते हो। और पेपर में क्वेश्चन में ए टू जेड लिखना नहीं आता, उसमें कोई भी टैग लाइन दे देता है, जैसे वर्क इज वर्शिप, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये लिख के दिखाओ सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग में। तो आपने वो उसके अनुसार लिखना है, उसने किस शब्द को बोला है या क्या लाइन आपको दी है, लेकिन बनावट देख लो इसी प्रकार से बनानी है। लेकिन लेटर अगर हाइट 30 या 30 से ऊपर पूछी गई है तो ऐसे बॉक्स बना के लिखना है, लेकिन अगर कम हाइट के अक्सर पूछे हैं तो दो लाइनें खींच के फ्री एंड वैसे ही लेटर्स लिख देने हैं। तो उम्मीद है साथियों आप लोगों को समझ में आएगा कि सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग में आपने कैसे काम करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और जो बच्चा चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।